लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कमर कस चुकी है। लगातार बैठकें और मंथन के दौर जारी हैं। इस बीच प्रदेश के मुखिया मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर गए, जहां उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से ही मध्य प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। अफवाहों के बाजार में कोई इसे लोकसभा चुनाव की तैयारियां तो कोई इसे बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर मोहर लगने वाली बैठक बता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मोहन यादव की मुलाकात संसद भवन में हुई है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने प्रदेश की सरकार के बारे में फीडबैक दिया होगा, साथ ही विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की होगी। वहीं मुलाकात के दौरान की जो तस्वीर सामने आई है, उसमें पीएम मोदी के हाथ में एक लाल कार्ड दिख रहा है, जिससे ये प्रतीत होता है कि वो कोई आमंत्रण पत्र है। साथ ही सीएम मोहन यादव के हाथ में कुछ कागज लिए हुए बैठे हैं। के साथ सरकार चलाने की, बाकी व्यवस्थाओं को संभालने की माननीय प्रधानमंत्री जी ने संतोष व्यक्त किया और सनता के साथ आशीर्वाद दिया है। सरकार अच्छा काम करे, गरीबों की सेवा करे, विकास के कामों के लिए अपना ध्यान लगाए और लगातार उन्होंने कहा कि अच्छे कामों में वो सदैव हमारे साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। सीएम बनने के बाद पहले भी मोहन यादव अमित शाह से मिल चुके हैं, तो दूसरी ओर भोपाल में पिछले दो दिन से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं को एक खास ट्रेनिंग दी गई है। ये ट्रेनिंग बीजेपी संगठन की ओर से दी गई है, जिसमें संगठन के सबसे बड़े लीडर बीएल संतोष ने उनको ट्रेनिंग दी और साथ ही नसीहत भी दी। बीजेपी संगठन की ओर से साफ तौर पर बताया गया है कि मंत्री बनने के बाद भी जनता से कोई कटेगा नहीं और ना ही किसी के व्यवहार में कोई बदलाव आएगा। सभी मंत्रियों को जनता के बीच रहकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जाना होगा।